करौली में 2013 में खास सुरक्षा योजना लागू हुई थी। यह योजना के अंतर्गत मध्यम वर्ग के परिवारों को दो रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो गेहूँ प्रत्येक सदस्य को मिलना था। यह योजना इसलिए लागू हुई कि जो बीपीएल में रह गए हैं जिनको खास सुरक्षा से जोड़ा जाए, वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको इस योजना का लाभ मिल सके। आपके आगे क्या समस्या थी? मेरा ये समस्या थी कि यानी कि मुझे यानी कि 3 मेरा 1999 से बीपीएल चल रहा और उसके बाद भी आज तक मेरे लिए कुछ नहीं मिला। अब यानी कि उसके बाद में इनने मेरे लिए 5-6 साल कुछ दिया, उसके बाद में मुझे पता नहीं क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। मैं बाहर रहता हूँ, काम करता रहता था बाहर, अब यहाँ आता जब आके अब पता लगा मुझे 2-2.5 साल से, जब ये पता लगा तो उसमें कुछ मिलता ही नहीं है। कहना को ये कह देते हैं कि बीपीएल में से नाम कट चुका तुम्हारा। अब मैंने उसके बाद नया फॉर्म राशन कार्ड का फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद भी दूसरा राशन कार्ड आ गया मेरा बन के बीपीएल, इसका कार्ड नंबर भी 29 है, राशन कार्ड नंबर 29 है और वार्ड नंबर भी 29 है। पर अब मैं उसके पास गया नए राशन को लेकर, तो उसने ये कहा कि यानी कि अभी नई की मेरे पास लिस्ट नहीं आई है, जबकि मैं नए राशन की लिस्ट दूसरे के डीलर इनने दूसरा डीलर शिफ्ट करा कहला उसके यहाँ, उसकी दूसरी डीलर के यहाँ वो आ गई थी लिस्ट। उसने लिस्ट में से 26 नंबर पर मेरा नाम देख के और इसमें राशन में केरोसिन दे के और उसमें वो लिख दिया मेरा 8-7 सौ का राशन है। पहले क्या क्या मिलता था आपको राशन? पहले इसमें मेरे लिए गेहूँ, चीनी और चाय की पत्ती और क्या नाम है आटे का कट्टा और अब मिट्टी का तेल। अब इसमें खाली सब छोड़ के इसने खाली एक मिट्टी का तेल रख दिया। ये कितने दिन पहले मिलता था और कितने समय बाद में बंद? ये जैसे मुझे ये तो खैर सही पता नहीं है, मगर फिर भी मुझे ये है कि हाँ 4-5 साल हुई होंगी या 2-2.5 साल हुई होंगी नहीं मिलते हुए, वरना सारी चीज़ें इसी में मिल रही हैं और आज भी इसी में तेल दे रहा। अब इसके बाद में लेके मैं क्या ईओ साहब के यहाँ गया हूँ। जब ईओ साहब ने क्या कहा? ईओ साहब ने पीछे राशन पर लिख के मुझे दे दिया, इस पर लिख दिया कि FPS गोपाल लाल गुप्ता BPL राशन कार्ड धारक को BPL समस्त सामग्री देनी है और इसमें डेट डाल दी। जब आप लेके गए तब उसने क्या कहा आपको? उसने ये कहा कि कौन होता ईओ। मैं चाहती हूँ कि हमारे नगर परिषद सही सर्वे कराए और जो लोग योग्य हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके। करौली नगर परिषद का नंबर है 0744-220-027। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।